अस्सलामुअलैकुम। ये गाड़ी जो है हाइलुक्स है, इनोवा का इंजन रखा है 2TR। और इस गाड़ी में देखिए मुझे क्या दिक्कत आ रही है। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया, ये तो इसने टाइटू लगा रखा तो दिख नहीं रहा है, ये चेक लाइट आ रही है। ठीक है, तो गाड़ी जब हम चलाते हैं तो एक्सीलेटर नहीं लेती है। देखिए अभी चल रही, अभी देखिएगा गाड़ी चल रही है लेकिन एक्सीलेटर नहीं पकड़ रही। देखो पूरा एक्सीलेटर दबाया हुआ है, पूरा एक्सीलेटर दबाए हैं लेकिन आरपीएम नहीं जा रहा। आरपीएम सिर्फ 1,000 1200 आरपीएम है, बस सिर्फ आरपीएम आगे नहीं जा रहा है। तो अभी इसको चलते हैं वर्कशॉप पे, स्कैन करते हैं फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। स्कैन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कोड आ रहे हैं। कंट्रोल यूनिट, इंजन ECT, सॉरी, यस, ट्रबल कोड, ये कोड आ रहा हमारा P0121, थोटल पोजीशन सेंसर, थोटल बॉडी एंड इनटेक एयर टेम्परेचर सर्किट हाई, इनपुट हाई, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट इनपुट हाई, और थोटल पोजीशन सेंसर, थोटल इनटेक एयर टेम्परेचर, थोटल कूलेंट कूलेंट। तो ये तीन चार कोड दिखा रहा है, एक तो हमारा थोटल बॉडी का दिखा रहा है और इनटेक एयर टेम्परेचर टेम्परेचर का दिखा रहा है, जो मैप सेंसर रहता है इसका उसका दिखा रहा है, और ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर का दिखा रहा है। यानी कि तीन चीज़ दिक्कत दिखा रहा है। तो देखते हैं क्या मसला है। एक बार क्लियर करके देख लेते हैं इसको, क्लियर करके सारे कोड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं, नहीं जा रहे, यानी कि इसमें फॉल्ट है। अगर जो क्लियर करके कोड चले जा रहे हैं तो यानी कि फॉल्ट नहीं हो, कभी कदार आती, लेकिन ये फॉल्ट करंट में पेंडिंग में है, और ये देखो करंट में दिखा रहा है, तो यानी कि ये फॉल्ट है। तो इसके लिए हमको इंजन रूम में देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। एक तो इसका कोड आ रहा है, इसका एक थोटल बॉडी आ रहा है। चलो देखते हैं क्या है। इस गाड़ी का जो है फॉल्ट मिल गया है, इसका जो है वायरिंग दिक्कत है। देखो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, जला हुआ है, कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, देख रहा हूँ ये जला हुआ है, ये पूरा हीट होके ग्राउंड होके जल गया पूरा, देख रहे हो पूरा इधर जल गया। अभी इसे सॉकेट में निकालते हैं, ये तो सॉकेट सही है, ये देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ जला हुआ, ये काला काला दिख रहा है थोड़ा, ब्लैक ब्लैक पूरा, देखो इसको भी निकालते हैं। देखो ये पूरा वायर शॉर्ट हुआ है, ये इसी में खास, इसी में भी दिख रहा है लेकिन इसी में बाद में चेक करेंगे, पहले इसका वायरिंग का दिक्कत लग रहा है, पूरा वायरिंग ये जला हुआ है, देख लो यहाँ से पूरा देखो जला हुआ है, ये भी देखो इधर का बस सॉकेट जल गया पूरा, ये पूरा बाहर तक गया है, बाहर भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये बाहर भी मैंने खोल दिया है, ये देखिए बाहर भी ये इसी मतलब इंजन में वायरिंग आया हुआ है इसी से, ये देखो ये सब चार पांच वायर एक ही में चिपक गया है, तो इसका वायरिंग दिक्कत है, फुल वायरिंग इसका रिपेयर होगा, पूरा वायरिंग दिक्कत है, देख रहा हूँ ये आपस में चिपका चिपक गया है। मसला क्या रहता है ना, लोग जो है जहाँ पे चाहे वो ECM हो चाहे वो लोकल, लोग जो है थोड़ा ध्यान नहीं देते फ्यूज़ पे, वो जो है अगर 13 15 एम्पेयर है तो 20 एम्पेयर लगा देते हैं, और 20 है तो 13 एम्पेयर फ्यूज़ लगा देते हैं, तो इसकी वजह से वो दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। तो एक्चुअल जो फ्यूज़ कंपनी दे तो उसी को वहाँ पे लगाना चाहिए,
और जल्दी के मारे कहते हैं मेरे पास फ्यूज़ नहीं है, या फिर अरे लगा दो दोबारा उड़े ना, तो इसके चक्कर में 25 एम्पेयर होता है तो 30 लगा देते हैं, 40 लगा देते हैं, इसलिए ऐसा सब दिक्कत आता है। ठीक है चलिए इसको वायरिंग रिपेयर करते हैं, फिर जब फाइनल होता है तो फिर दिखाते हैं। देख रहे हो आप लोग, हमने इसको पूरा बाहर निकाल लिया है पूरा वायरिंग को, और जो है ये देखो पूरा यहाँ जल गया है, ये पूरा जला हुआ है, और ये पूरा जल के वायर चिपका हुआ चार पांच वायर देख रहे हो, ये सब चिपक चिपक के पूरा वैसे सेंसर में गया हुआ, जो स्पीड में स्पीड वाला सेंसर रहता है उसमें पूरा गया हुआ है, देख लो। ठीक है तो पूरा हम इसको रिपेयर करते हैं और उसके बाद में बनाते हैं कुछ। तो गाड़ी वायरिंग वायरिंग सब रेडी हो गई है, चाबी स्विच ऑन करके जरा एक बार बस कोड चेक कर लेता हूँ, कोड गया कि नहीं गया। पेंडिंग दिखा रहा है, DTC क्लियर करके देखते हैं। ओके कोड सारे चले गए हैं, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो आप स्केलेटर ले रही पूरा है, पूरा ब्रेक दबा रहे हैं स्केलेटर ले रहे हैं। ठीक है अभी रोड टेस्ट करके देखते हैं, तो इसका रोड टेस्ट कर रहे हैं। देखिए गाड़ी बढ़िया चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तुम्हारे 40 की भाग रही, 50 भाग रही है, अभी देखिए गाड़ी रोड पे बढ़िया चल रही है और एक्सलेटर भी बढ़िया ले रही है देख। ठीक है तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका प्रॉब्लम ये था कि जो VSS सेंसर है ना वो जल गया था, वो किसी वजह से जो है उसका सॉकेट जो है तार जो है शॉर्ट टू ग्राउंड हो गया, तो उसकी वजह से जो है पूरा दिक्कत आ गया। अभी देखिए गाड़ी बढ़िया चल रही है, एक्सीलेटर भी बढ़िया ले रही है और गाड़ी भी बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करिए थोड़ा।